अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? तबे सही है आपकी? आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज किस जगह पे आ चुका हूँ। मैं आया हुआ मस्जिद में, देख सकते हैं आप, ताकि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँ और सवाब कमाऊँ। देखो यार, मैंने बहुत गलतियाँ कर ली, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ वो अच्छे काम नहीं है, मुझे अब थोड़ा नेक बन जाना चाहिए यार। क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, हमारी मौत जब हो जाती है तो हमें क्या काम आती है? नेकियां। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज मैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां करूं। तो इसी वजह से यहीं से कहते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यार वजू खाना तो आ चुके हैं। तो यार वजू तो कर लिया है, और तुम्हें पता है मैंने जब अपनी आंख पे पानी डाला ना तो मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन बस अब नमाज तो पढ़नी है ना, क्योंकि मैं भी तो आखिर इंसान ही हूँ ना, जेरा मस्जिद में जाने का रास्ता। तो भाई वजू तो कर लिया, अब मस्जिद में चलते नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे मैं क्या दुआ मांग रहा हूँ, मैं बस ये दुआ मांग रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स पे अल्लाह ताला रहम करे। यार तो नमाज तो पढ़ लिया। देखो भाई तुम जो भी काम कर रहे हो वो करो, लेकिन यार अल्लाह ताला को कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि तुम्हें बताना हमें किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। चलो चलो। मैं जब बाहर आया तो मुझे प्यारे से जानवर नजर आया, मैंने बोला क्यों ना यार इन्हों की मदद करवाओ, जिन्हों के जानवर है, मतलब कि भाई अब मैं जानवर को खाना खिलाने में मदद करवाऊंगा। प्यारा सबसे पहले मुझे बकरा नजर आया, मजे से खा लो बेटा तुम लोग, तुम्हें कोई तंग नहीं कर रहा। भाई अब मुझे नजर आई है काली और बड़ी सी मोटी गाय। यार ये रही मैं, वो भाग रहा है शायद, क्या हुआ ये क्यों भाग रहा है? असल में बकरा वो चीज खाने वाला था जो खेती बाड़ी वाले करके उगाते हैं ना, वो चीज खाने वाला था। बल्ला ही के भाई, इसकी वीडियो भी बनाओ और वो जो सामने उनकी भी बनाओ, वो भी खाना खा रहे। मैं राजू। राजू कौन है? राजू उसकी भाई मैं हेल्प करवाऊंगा, आज का काम ही थोड़ा मेरा ये है। सही है, अब चलते हैं आगे की तरफ, इसको खाना खाने दो। यार यार मैं जब आगे आया मेरे सामने इतनी सारी बेले आ गई, मैं तो जिसको देख कर डर गया। एक दो तीन चार पाँच, पता नहीं कितनी सारी। मजे की बात भाई, ये सब खाना खा रही है, मतलब मुझे किसी को भी खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। आज जो मैंने सोचा था ना कि मैं अच्छा काम करूंगा, वो अच्छा काम बस सोचा और वो हो गया। देखा यार कितना ज्यादा ये अच्छे काम की वैल्यू और कितनी ज्यादा पावर होती है। ये वाली तो बड़ी गुस्से में है, इसको छेड़ूंगा नहीं मैं। तुम सब खाना अपना खा लो, तुम्हें कोई तंग नहीं कर रहा। डीके अल्ट्रा आया हुआ है, और डीके अल्ट्रा के सामने और डीके अल्ट्रा के होते हुए तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं चारों तरफ इनों को देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा जो इनों को डिस्टर्ब करे। कोई नहीं है यार, सब खाना खा रही है, पर ये पता नहीं क्यों बैठी हुई है। इसके पास चलते। यार देखो तो सही यार, ये कैसे खाना खा रही है भाई, मुझे किसी को भी खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद खा रहे। अब खा लो बेटा तुम, तुम्हें तंग नहीं कर रहा मैं। वो वहाँ पर धुम्बा गायों के साथ खाना खा रहा है, उसको तो जरा देख लो, लग रहा है कि वो उसका दोस्त बन चुका है गायों का। क्या कर रहे हो तुम लोग? धुम्बा, ये गाय और ये बकरा तीनों साथ ही बैठे हुए। अबे अबे कहाँ जा रहा है तू? वो भाई तू बड़ा है यार, खैर जाने दो इसको, जहाँ भी जा रहा है। बाकी ये भाई क्यों बैठा हुआ है? भाई तुम्हारा पेट भर गया क्या? यार तुम देख सकते हो कितना प्यारा मंजर आ रहा है, कितना प्यारा और खूबसूरत। साथ में जब अच्छा काम बंदा करता है ना तो फीलिंग और भी डबल हो जाती है। अल्लाह हाफिज़। ये जो तस्वीर है ना, अब मैं इसमें बनाने वाला हूँ। आधा पोर्शन मैंने बना लिया है अपनी इस प्यारी सी जादुई पेंसिल से, अभी आधा पोर्शन और बनाना है। यार मैंने बहुत ज्यादा अपने बाबा को तंग किया है, मैं इन्हों के घर में रह रहा हूँ ना, तो मेरे को भाई कुछ भी करके आज इन्हें खुश करना है, और खुश करने का जरिया यही है कि मैं इस ड्राइंग को बनाऊँ। बड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मैं बना के रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम है डीके अल्ट्रा और आज मुझे अच्छे काम करने ना। वैसे भी स्टार्ट करते हैं भाई आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा देखे किस तरह से बनेगा। यार तकरीबन एक घंटा हो चुका है और इतना काम किया है बनाते बनाते, पर मेरे से बन नहीं रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए। अभी आधा पोर्शन बन गया है और मैं इस तरह से बना रहा हूँ, आप देखोगे हंसना शुरू हो जाओगे। ये ड्राइंग ऐसी है तो मैंने सोचा आधा पोर्शन पहले बना दो, जैकेट वाला ऐसे ऐसे, मतलब वो जो स्क्वायर वाला चक्कर होता है ना, ग्रिड वाला, उसके जरिए से मैं बना रहा हूँ। और मैंने इतनी बना ली है, थोड़ा बहुत लग रहा है यार। देखो अब बस आधा पोर्शन बनाना है और ये जल्दी से बनाऊँ, आपके साथ फिर मैं बात करता हूँ, और दुआ करना मेरी ड्राइंग ये बन जाए। ये बन चुकी है बिल्कुल, देखो यार सेम, बिल्कुल के बिल्कुल सेम टू सेम बननी है ये, देखो यार। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भालू, मैंने अपना जो काम करना था वो पूरा हो चुका है। अब मैं ये ड्राइंग बाबा को दिखाने जा रहा हूँ और बताने वाला हूँ, बाबा ये देखो मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई। पूरे के पूरे 2 घंटे लगे ये ड्राइंग बनाने में। उफ, देखो यार थोड़ी बहुत तो लग रही है ना भालू, बताओ तुम्हें लग रही है ना ये ड्राइंग? हाँ मुझे लग रही है, तुमने बहुत अच्छी बनाई है, मेरे को पता है तुम होशियार हो बहुत। थैंक यू भालू।
डीके अल्ट्रा का दोस्त नहीं है भालू, आज से भालू मेरा दोस्त है। मजाक कर रहा हूँ यार, अब चलता हूँ बाबा को दिखाने ड्राइंग और पूछता हूँ कैसी बनी है। चलो बाबा यहीं पे हो गए, अब अंदर चलते बाबा। बात कर रहे कॉल पे। ठीक है फिर मैं बाबा 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 दो मिनट बंद कर। एक मिनट देख नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी से बाबा। एक भाई मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुँच रहा हूँ, लेके बाबा। बाबा सॉरी आपको तंग किया, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बनाया है, इसको आप देखो अपनी आंखों से और मुझे बताओ कैसा बनाया है। मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत खास और बहुत स्पेशल है, यकीनन आपको पसंद आएगा। बेटा तुमको शर्म नहीं आती है अपने बाप की, तुम इस किस्म की तस्वीरें बनवाते हो, जरा तुम्हें वो नहीं है, ख्याल नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है, बदतमीज बन गए हो तुम। जिससे बात कर रहा था उससे भी मेरी बात तुमने खराब कर दी, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है, बदतमीज बन गए हो तुम। यार तो गाड़ी तो निकाल ले डॉक्टर भाई, निकाल दो, शाबाश, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो एक अल्ट्रा? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब याद है ना, हम बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद मुझे मिले। यार ये बताओ कि बाबा की सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? यार बाबा की सबसे पसंदीदा चीज, यार सही बताऊँ? हाँ मैंने जो नोट किया ना, गाड़ी। गाड़ी मतलब गाड़ियों पे हल्का सा भी कुछ लग जाए ना, अल्लाह बाबा को ऐसा लगता है, अल्लाह माफ करे, कि दिल पे लगाए। भाई फिर मैं कुछ करता हूँ, आप टेंशन मत लो। क्या करोगे यार? वैसे डॉक्टर भाई ये भी बाबा की गाड़ी है ना? यार ये बाबा की है, आपको नहीं पता, 4 साल से खड़ी है यार। हाँ यार मैं असल में चलता नहीं हूँ ना आपके साथ, इस वजह से मुझे ज्यादा नहीं पता। हाँ यार वैसे आपको शौक नहीं था इतना घूमने का, आज कैसे चल रहे हो गाड़ी में? और बोला आपने गाड़ी में, वैसे आप कहते बाइक में चलो। डॉक्टर भाई मैं जो भी काम करने जाता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, आज भी मेरा एक मकसद है। तो यार रास्ता डॉक्टर भाई भूल गए, अब पीछे जा रहे हैं हम, पीछे की तरफ। आराम से डॉक्टर भाई, ज्यादा जल्दी नहीं है, इस साइड पे हो जाओ, फुटपाथ पे लगेगा वरना। हाँ वेरी गुड, बस आने वाला है अब रास्ता, बहुत जल्दी है ना डॉक्टर भाई को। डॉक्टर भाई आप वैसे यहाँ क्या करने आए यार? यार इधर अपन वॉक करते हैं, आप चलते नहीं थे, आज आप मेरे साथ चलो और वॉक करो, लाइफ के लिए वॉक बहुत जरूरी है, आपको बताएं। डॉक्टर भाई का कहना है कि यहाँ पर ये वॉक करते हैं, चलो भाई वॉक कर लो, वहाँ पर पार्क कर दो डॉक्टर भाई, ये जो नहीं है इग्लू के पास पार्क कर दो ना, समझा करो डॉक्टर भाई, कोई ना कोई मकसद होता है मेरा। लोकेशन तो बहुत अच्छी लिया डॉक्टर भाई ने। डॉक्टर भाई अब वॉक करेंगे यहाँ पर और मैं थोड़ा काम करने जाऊंगा। डॉक्टर भाई आसपास पेट्रोल पंप तो है ना? पीछे पेट्रोल है सर, यार ये सीएनजी पे गाड़ी है। सीएनजी पे नहीं, वो असल में मुझे है ना बाइक में पेट्रोल चाहिए था, इस वजह से मैं बोला। पड़ा है पीछे पेट्रोल? पेट्रोल पड़ा है पीछे, ये कहाँ पर है? ये वाला। अच्छा वाह, फिर तो काम अच्छा हो गया, अब निकलते। डॉक्टर भाई आप जाओ वॉक करके आ जाओ, मैं 10 मिनट में चक्कर मार के। जी जी डॉक्टर भाई जा रहा है 10 मिनट में चक्कर मारने, तब तक मैं जा रहा हूँ अपने काम करने। और भाई इस गाड़ी की हिफाजत कौन करेगा, तुम्हें पता है ना डीके अल्ट्रा यार। डॉक्टर भाई तो चले गए भाई, अब बारी है मेरे स्टार्ट करने की। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर डीके अल्ट्रा। ये तो मैं स्टंट ही करता हूँ ना खतरनाक वाले, आज मैं चलाने वाला हूँ अब इस गाड़ी को, पूरा का पूरा गार्डन है मेरे पीछे, और यहाँ पर जब चलेगी ना आप अपनी आंखों से खुद देखना। और ये डीके अल्ट्रा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि बाबा ने जो किया ना वो बाबा को करना नहीं चाहिए था, अब बाबा को पता पड़ेगा डीके अल्ट्रा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पेट्रोल निकालू। ये तो खाली लग रहा है मुझे, खाली है, पक्का खाली है। हाँ ये तो खाली है यार, ये कैसे डब्बे बाबा ने दिए? हाँ ये रहा, ये भरा हुआ है, मतलब इसमें पेट्रोल है, अब ये पेट्रोल मैं चलाऊंगा फिर मजा आएगा। और मैं पेट्रोल खाली नहीं जलाऊंगा, मैं पेट्रोल से इस गाड़ी को जलाऊंगा, पूरी गाड़ी पे पेट्रोल छिड़क दूंगा।
भाई मैंने एक जगह पे मोबाइल रख दिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं पेट्रोल कैसे डालूंगा। चलो अब मजा आ रहा है ना जब पेट्रोल डाल रहा हूँ यहाँ पर सब जगह डालूंगा। गाइस इस गाड़ी की कोई गलती नहीं थी, मुझे पता है आप लोग कमेंट में बोलोगे इस गाड़ी की गलती क्या थी जो तुमने इसको चलाया, लेकिन इस गाड़ी की गलती नहीं थी, इस मालिक की गलती तो थी ना जिसकी गाड़ी है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है ज्यादा डैमेज नहीं होगा इस गाड़ी को, इस ये गाड़ी को मैं खुद अपने पैसों से बनवा दूंगा, मुझे बस दिखाना है कि एहसास कैसा होता है जब किसी के दिल में चोट पड़ती है, जैसे मेरे दिल में चोट हो रही है ना मुझे गुस्सा वैसे। अब डालता हूँ एक काम करता हूँ, पीछे कपड़े पड़े वो हटा देता हूँ, इन कपड़ों का क्या कसूर है बेचारों का, तुम टेंशन मत लो तुम्हें नहीं जला रहा मैं। सारा पेट्रोल डाल दिया, बस थोड़ा सा रहता है उसको भी अभी डाल देता हूँ मैं, उसको है ना टायरों के पास डालता हूँ ताकि टायर भी जल जाए, एक एक चीज को मैं जला दूंगा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो तुम्हें लग रहा है ना तो ये ना, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अब बारी है माचिस से आग लगाने की, यार थोड़ी देर इस गाड़ी से बातें कर लेता हूँ मैं, गाड़ी सॉरी यार मुझे माफ कर देना यार, मैंने बहुत गलती की यार, अब मैं आइंदा नहीं करूंगा गलती, जब तुम्हें मैं जला दूंगा। अब माचिस से जलाने की बारी है, 3-2-1 बाय बाय गाड़ी, लास्ट बार प्यार कर दो बेचारी गाड़ी को, मेरी प्यारी सी गाड़ी थैंक यू तुमने मेरी मदद की, माचिस भी मिल गई, अब माचिस से जलाता हूँ इसको। यार मजा इतना आ रहा है सच में, मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि यार मैं गाड़ी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, और यार एक ईमानदारी से बात बताओ इस गाड़ी को ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बनवा दूंगा, तुम्हें पता है मेरे पास कितना पैसा है यार, अब मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा ना जब फिर जाके पता पड़ेगा एहसास का बदला एहसास से कैसे होता है। तुम्हें लग रहा होगा ये नकली पेट्रोल है, अभी मैं तुम्हें जला के दिखाता हूँ नकली है या असली, ये देखो वैसे भी थोड़ा सा ही बचा है यार, अब मैं तुम्हें जला के दिखाता हूँ अपनी आंखों के सामने, ये यहाँ पर मैंने डाला पेट्रोल, ये देखो पेट्रोल डाल दिया, अब देखो भाई असली है बिल्कुल, 3-2-1 अबे कहाँ पर चली गई, अब देखना 3-2-1 देखो असली पेट्रोल है ये। अब बारी है माचिस से आग लगाने की, अब बाबा को पता पड़ेगा डीके अल्ट्रा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, वो तो एके अल्ट्रा था जो शरीफ था, लेकिन अब मैं हूँ डीके अल्ट्रा और मैं बस इतनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, ये जितनी देर माचिस जल रही उतनी देर इस गाड़ी की लाइफ है, अब बारी है जलाने की। जा रहा भाग के डॉक्टर भाई को भी तो बता दूं ना, उन्हें कुछ पता ही नहीं है वो वॉक करे जा रहे, ये देखो किसे मजे से कर रहे हैं, डॉक्टर भाई रुको, डॉक्टर भाई आप वॉक कर रहे हो क्या हुआ, वहां पर हमारी गाड़ी किसी ने जला दी, हमें मजाक कर रहे हो, वो देखो अरे अरे डॉक्टर भाई। बाबा आपकी गाड़ी भाई ने जला दी है बाबा। क्या बकरा, मुझे चक्कर आ रहे हैं यार तुम्हारी बातें सुनकर, बाबा सच में आपको मेरी बात पे करूं मेरे से, वहाँ पर आपकी गाड़ी जला दी है बाबा, देख के जो बाबा अभी देखता हूँ बाकी बाबा बाबा ऐसा मुझे तो हुआ था जब मेरी बाबा ने तस्वीर फेंक दी थी। ये क्या पड़ा है यार, कार्ड सरप्राइज।
थैंक यू एके अल्ट्रा फ्रॉम बाबा। अंदर है क्या कुछ? अरे यार ये तो पैसे है। बाबा ने तो मेरे लिए सरप्राइज रखा था यार, और मैंने गाड़ी चला दी यार।